और थोड़ा लेफ्ट, हाँ 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 एग्जैक्ट एग्जैक्ट, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते जोहार, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी और एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं धान काटने के लिए, और ये देखिए दो अमरूद ले लिए हैं, और बाकी तो पहुँचा नहीं पाए ना तो छोड़ दिए। तो अभी इधर अंशु भी है और इधर अंशु के पापा, और अभी हम लोग जा रहे हैं धान काटने। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर मकई लगा हुआ है, मकई लगा दिए हैं यहाँ पर चाचा, और उधर में चाचा धान काट रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, इधर तो सारे लोग धान काट दिए हैं, वो देखिए पूरा धान पक गया है। बाप रे, ये धान ऐसे हुआ है पूरा फाका फाका, कुछ कुछ जगह अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ओ उधर आगे साइड, और उधर चाची अपना धान काट रही है, इधर चाचा काट रहे हैं, और इधर देख सकते हैं इतना सारा झाड़ू, ये देखिए, हाँ इसे झाड़ू बनता है। ये रहा, ये है हम लोग का देसी झाड़ू ये, और यहाँ देख सकते हैं पूरा धान पक गया है, देखिए पूरा धान पका हुआ है। तो ये देखिए, ये धान सब पूरा गिर गया है देखिए, और ये जब सीधा रहता है ना तो जल्दी कटाता है, और एक साइड से भी गिरे रहता है तो जल्दी कटाता है। देख सकते हैं पूरा धान गिर गया है, ये देखिए पूरा धान पक भी गया है। यहाँ अंशु के पापा धान काट रहे हैं देखिए, और पूरा धान गिरा हुआ है। तो चलिए काटते हैं, पूरा धान गिरा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे काटेंगे, वो साइड तो चाचा काट रहे हैं, वो उधर उस पार में उस साइड में, और इधर साइड हम दोनों खाते हैं, और वो उधर में माँ काट रही है, वो अलग से सब अलग अलग। देख सकते हैं पूरा धान इस तरह से गिरा हुआ है। तो एक साइड से गिरे रहने से ना तो अच्छा होता है, यहाँ मेरा गिरे रहता ना तो दिक्कत हो जाता है काटने में। तो पहले मुट्ठी बनाएंगे जिसमें धान को भरना होता है, और बाद में जब घर ले जाते हैं तो उसे हम लोग बांधते हैं। तो पहले मुट्ठी बनाते हैं, चलिए इसको ऐसे काटना होता है। तो पूरा धान गिरा हुआ है, ये रहा धान, को एक जगह में इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको दो भाग में ऐसे बांटते हैं, फिर में क्रॉस करके, तो ऐसे फिर इसको उठाते हैं, फिर ऐसे ऐसे तीन चार बार, जैसे तीन बार फिर ऐसे इसको टाइट से रख देते हैं, और इसी के ऊपर में धान रखेगा। तो ऐसे इसको रख और इसके ऊपर धान भरेंगे। Thank you.
दोस्तों वो देखिए श्रुति और मेरी माँ जा रही है, वो देखिए दूर, वो देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग को धान इतना काटे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, और माँ तो धान वो वाले खेत का धान काट रही थी तो चले गई, और हम लोग के पास बाथरूम बहुत कम था तो इसलिए हम लोग माँ धान काट ली, तो अभी मेरे हस्बैंड काट रहे हैं ये देखिए, और चाचा तो वाले खेत में धान काट रहे थे वो भी घर चले गए, श्रुति और माँ भी चले गई, इधर हम और अंशु के पापा बस हैं और अंशु उधर गया हुआ है। सब अलग अलग खेत में हम लोग धान काट रहे हैं क्योंकि अभी काम करने के लिए भी अभी कोई मिलता नहीं है ना, तो कोई लेबर नहीं मिल रहा है। हाँ कोई लेबर भी नहीं मिलता है तो अब तो क्या करेंगे, इसलिए खुद से करना पड़ रहा है, इस वजह से अभी कर रहे हैं। तो अभी तो चाचा उधर का धान काट के शायद चले गए घर, तो अभी हम दोनों यहाँ पर काट रहे हैं वहाँ से शुरू के, और अभी थोड़ा देर बाद सूरज भी डूबने को है, और अभी का मौसम ऐसा है ना कि जल्दी शाम हो जाता है, जैसे ही 3 बजेगा उसके बाद तो मतलब तुरंत शाम हो जाता है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अभी हम दोनों भी यहाँ तक थोड़ा बहुत काट लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे, और ये देखिए इधर अंशु के पापा काट रहे हैं। अंशु काटेगा, हाँ काटो एक बार, अंशु को आता नहीं, अब अंशु को भी सिखाना पड़ेगा ना, अंशु अंशु को भी तो धान काटने आना चाहिए ना, अंशु को भी सिखाएंगे धीरे धीरे करके। शुरू शुरू में मतलब जब हमको भी नहीं आता था ना तो हम मतलब धीरे धीरे हम भी काटने सीखे, जब शुरू शुरू में हमको भी नहीं आता था ना तो उंगली भी कट जाता था, तो उसके बाद धीरे 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 करते करते हम भी सीख गए, तो मेरी माँ सिखाई, और अभी अंशु को भी बोले हैं अंशु काटो चलो, अंशु को भी बोले हैं धान काटने के लिए, वो भी धीरे धीरे इसको भी सिखाएंगे। मास्टर का एक खेत था और खेत में ले जाके हम लोग को वो धान में भिड़ा देता था पहले, हाँ ये हंसिया पकड़ा देता था और उसके बोलते ये सब काटो, पर हम लोग का स्कूल में ऐसे होता ही नहीं था, पर आप लोग का तो चलो अच्छा है, आप लोग को तो सिखाया भी जाता है नहीं, कभी कभी रोड किनारे किनारे पेड़ रोपने के लिए ले जाता था हम लोग को पहले। हाँ हम लोग तो जहाँ रहते थे वहाँ तो जंगली जंगल एरिया है, तो कहाँ पेड़ लगाएंगे, और पेड़ भी लगाना चाहिए, पर पेड़ सब लगवाता था, धान सब कटवाता था, उससे अपना खेत था वही बगल स्कूल के बगल में। तो दोस्तों अभी हम लोग कौन जा रहे हैं घर, ये देखिए हम लोग इतना इतना काटे हैं, उधर साइड छोड़ दिए हैं और उसका भी आधा थोड़ा सा किए हम लोग, और तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि अभी शाम भी होने को है, अभी थोड़ा देर अंधेरा हो जाएगा, और अभी का मौसम है ना ऐसा है कि 3, 4, 5 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है, इसलिए अभी हम लोग कौन जा रहे हैं घर। मालूम तो पहले ही चले गई, और अंशु आगे आगे जा रहा है, और इधर चाची लोग का खेत, ये लोग भी धान काट रही है ना, ये देखिए ऐसे सीधा सीधा धान रहता है ना तो काटने में मज़ा आता है कि नहीं, और हम लोग का तो पूरा धान गिरा हुआ है, ठीक से पका नहीं है लेकिन, हाँ उतना अच्छा से पका नहीं है, पूरा धान ठीक से पका नहीं है, देखो हरा हरा दिख रहा है, सीधा रहने से ना काटने में अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी कटाता है, और जब पूरा धान गिरे रहता है ना तो उसको ऐसे उठाओ फिर काटो। तो दोस्तों अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर, तो दोस्तों आज की ब्लॉग को तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और बताइएगा आप लोगों की आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं और एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों ये देखिए खेत आने से ही
पूरा पैर में सगा ने ए आयो ने ने रे निका कने पूरे जाड़ो पर निशाना है खेत आने से ना पूरा पैर में ने ए नी ना सगा नील कना अभी तो ये सब पक रहा है देखिए नहीं ना सगा ने रे लगायन रे पूरे लीजे करे तो ने आया पेंटर मिन रिया सगा कने